हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन डॉट कॉम। आज मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म सांबर, बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस गर्मा गर्म सांबर को बनाना। सांबर बनाने के लिए मैंने ली है, देखिए, आधी कटोरी अरहर की दाल और ग्राम में ये 125 ग्राम है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये धुली दाल ली थी, इसे मैं बनाने रख देती हूँ। और जिस कटोरी से मैंने दाल ली है उसी से 3 गुना इसके पानी डाल दूंगी। पानी मैंने डाल दिया है तो इसमें आधा आधा चम्मच हल्दी नमक डाल के दाल को मैं 2 सीटी आने तक पकने देती हूँ। हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, इसको देखिए मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। 2 टमाटर, इसको भी मैंने काट लिया है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और 8-10 लहसुन की कलियाँ, इनको भी मैंने कट कर लिया है। और हमें चाहिए ये कड़ी पत्ता। सब्जियों में मैंने लिया है 250 ग्राम कद्दू और इसको देखिए मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है। 250 ग्राम लिया है लौकी, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और 250 ग्राम ही लिया है मैंने बैंगन और इसको देखिए मैंने इस तरह से कट करके पानी में डाल दिया जिससे ये काले नहीं पड़ेंगे। मसालों में मैंने यूज़ किया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लिया है नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। सांभर को छोंकने के लिए देखिए हमें चाहिए हींग, 1 चम्मच राई, आधा कटोरी लिया है मैंने ये रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और 1 पैकेट लेंगे सांभर मसाला और ये 10 रुपये वाला है। और ये देखिए मैंने 75 ग्राम ली है मैंने ये इमली, इसको मैंने गर्म पानी से धो दिया है और इसे हम मसल के अच्छे से छान लेंगे। दाल हमारी बन गई है देखिए और ये अच्छे से हमारी गल गई है, तो इसे मैं बाउल में निकाल लूँगी। दाल को देखिए मैंने बाउल में डाल लिया है और कुकर को धो के इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और ये अच्छे से गल ही होने चाहिए, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम सांभर छोंक लेते हैं। तो सबसे पहले कुकर मैंने कढ़ा उस पर चढ़ा दिया है गैस पे, तो मैं ये तेल डाल लेती हूँ। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग डालें। और इसे मैं अच्छे से गर्म होने देती हूँ। तेल हमारा देखिए अच्छे से गर्म हो गया है, तो जो हमने राई ली थी राई को डाल देते हैं। हींग भी डाल देंगे और राई को हम अच्छे से चटकने देते हैं। राई देखिए हमारी अच्छे से चटक गई है, तो लहसुन डाल देते हैं, अदरक, हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज और प्याज को मैं हल्का सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेती हूँ। प्याज देखिए हल्की सॉफ्ट हो गई है, तो अब इसमें डाल देते हैं ये कड़ी पत्ता और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और कड़ी पत्ता को हम प्याज के साथ भून लेते हैं। प्याज और देखिए कड़ी पत्ता हमारा अच्छे से भुन गया है, तो मसाले डाल देते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया। और इसमें से मैं सांभर मसाला डाल देती हूँ, आधा आधा हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को मैं अच्छे से भून लेती हूँ। मसाले भी देखिए हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो इसमें हम ये डाल देते हैं सब्जियाँ, कद्दू, लौकी, और जो हमने बैंगन लिए थे इसको भी पानी में से निकाल के इसमें डाल देते हैं। सभी सब्जियां देखिए मैंने कुकर में डाल दी है, तो अब ये कटा हुआ टमाटर भी इसमें डाल देते हैं। और सब्जियों के साथ मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। सब्जी और देखिए टमाटर मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इन सब्जियों में 2 सीटी आने तक पका लूँगी। इसे मैं 2 सीटी आने तक पकने देती हूँ। सब जब तक हमारी सब्जियाँ बन रही हैं, तो मैंने एक अलग भगोने में 2 गिलास करीब पानी डाल दिया है, तो इस गर्म पानी को हम सांभर में मिलाएंगे, तो आप इसे साथ में भी उबाल लें इसको। 2 सीटी आ चुकी है और देखिए स्टीम भी निकल गई है और सब्जी देखिए बनके हमारी रेडी है। और इन सब्जियों को मैं हल्का सा चमचे से मैश कर देती हूँ।
देखिए हल्का सा मैश कर दिया है, ज़्यादा मैश नहीं करना। अब इसमें हम जो हमने दाल बना के रखी थी इस दाल को भी इसमें मिक्स कर दूंगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो गर्म पानी था उसको भी इसमें डाल देते हैं, और अब इसमें डाल देते हैं हम जो हमने ये सांभर मसाला बचा के रखा था, इस मसाले को, और जो मैंने इमली ली थी उसको देखिए मैंने छान लिया है मसल के, तो इसको भी इसमें डाल लेते हैं। और अब हमें जितनी पतली सांभर रखनी है उतना पानी और डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ दाल के बाउल में से, और इसे मैं 5 मिनट अच्छे से उबलने देती हूँ। अब हम सांभर को 5 मिनट तक इस अच्छे से उबलने देते हैं, क्योंकि हमारी सब्जियां भी पकी हुई थी, पानी भी हमने पहले से ही बॉइल कर लिया था, और हमारी देखिए एकदम सांभर 5 मिनट में अब रेडी हो जाएगी। 5 से 7 मिनट हो गई है, देखिए सांभर भी हमारी अच्छे से उबल गई है, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। गर्मा गर्म सांभर हमारी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी सांभर बनी है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।